और मैंने बनाया था घी, ये ठंडा हो गया तो बस मैं इसे अभी छान लूंगी। 2-3 दिन से ज़रूरत लग रही थी। वैसे तो थोड़ा सा घी रखा हुआ है, मतलब थोड़ा ही रखा हुआ है इसके अंदर थोड़ा सा। बच्चों ने अभी यहाँ पे कुछ काम किया था, शायद टोस्ट बनाए थे, चीज़ टोस्ट, थोड़ा सा घी बचा था। तो आई थॉट इससे पहले कि ये बर्तन खाली हो जाए, मैं घी बना लेती हूँ। अच्छा, ये क्लिप मैंने मेरे उन व्यूवर्स के लिए रखी है जिन्हें लगता है कि सानवी खुशी को कभी डांट नहीं पड़ती, मैं कभी गुस्सा नहीं होती। आज सुबह से ही मूड ख़राब हो गया था। क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों को डांट पड़ गई, गुस्सा आ रखा था मुझको। चाचू ने? अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, मेरा पापा और बहन हमारे इंतजार में थे, अभी एक दो रह गई लास्ट वाली। हाँ जी, मैंने बनाई, मैंने मैंने सब्जी भी बनाई आज, तीन 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 सब्जियां बनाई है, रायता बनाया है, पूड़े बनाए हैं और पूड़िया बनाई है। वाह, अच्छा, मुझे लगा हेल्प तो कर। मम्मी कंफर्म करेंगे, मम्मी कंफर्म करना। मम्मी आओ भाई, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। किलो कंचे पर लाइट जला ले, लाइट जली हुई तो है। फेसबुक की टीचर कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। मंकी तो मेरा सर है, मंकी का काम और करेंगे, मैं हाथ का काम करूंगी। बिट्टी बले पर बिट्टी, बिट्टी बले, थैंक यू। सुनो सर, ताई जी को भी बिट्टी दे दे, बिट्टी दे ताई जी, बिट्टी दे दिया इसका अप्रूवल और बोला है कुछ आज तो बढ़ गई, पेड़ में टकराना है दोनों को, बढ़ गई कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज ये जो व्लॉग है, ये वट सावित्री व्रत वाले दिन का व्लॉग है। तो सुबह काफ़ी जल्दी मैं जाग गई थी, मम्मी ने मुझे बोला था कि खीर बनाकर तुम लेकर आ जाना, बाकी खाना वो बना लेंगी। तो वो बोल रही थी कि तुम खीर अच्छा बना लेती हो तो तुम बना लेना। तो मैं सुबह में काफ़ी जल्दी जागी थी, रिकॉर्ड मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे ना टाइम से सारा काम हो जाए इसकी जल्दी लग रही थी। मैंने खीर बनाया, पहले नहाया धोया, फिर खीर बनाया, फिर तैयार हुआ और मैं बच्चों से बोल रही थी बेटा जल्दी करो, थोड़ा टाइम से पहुंचना है, टाइम से हम लोगों को पूजा कर लेनी है। बट वो लोग थोड़ा अपनी ही मस्ती में थे, इस चक्कर में सुबह में उनको डांट पड़ गई। और उनको डांट देती हूँ तो मेरा भी फिर थोड़ा सा ना मूड ख़राब ही हो जाता है। बहरहाल हम पहुँचे मम्मी के घर और इसके बाद हम लोग सीधे आ गए हैं पूजा करने के लिए। हमारे घर के पास में ही एक मंदिर है और यहाँ पे एक बड़ा सा वट वृक्ष भी है। पिछले साल मैं और मम्मी आए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए, इस साल क्योंकि प्रियंका भी थी यहाँ पर तो हम तीनों आए हैं पूजा करने के लिए एक साथ में। और पिछले साल पहली बार मैंने और मम्मी ने साथ में वट सावित्री की पूजा की थी और ये पहली बार है कि हम तीनों साथ में पूजा कर रहे हैं। हम घर से ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें ले आए थे, बस फूल बाकी रह गए थे। तो बड़ी मॉम ने खुशी को बोला कि सफ़ेद वाले जो फूल हैं वो ले आओ पूजा के लिए।
और मुझे बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ें नहीं आती हैं, हर बार करती हूँ बट फिर भी अगली बार जब नंबर आता है तो थोड़ा याद रहता है, थोड़ा भूल जाता है। वो तो मम्मी मुझको गाइड करती रहती हैं तो सारे पूजा अच्छी तरह से हो जाते हैं। यहाँ पे मम्मी जैसा बोल रही हैं प्रियंका और मैं वही कर रहे हैं। और ना मतलब पिछले साल मैंने कथा सुनाई थी और इस साल क्योंकि प्रियंका यहाँ थी तो उसने हम लोगों को कथा सुनाई थी। और शिवांशी हमारी एक जगह पे बैठती ही नहीं है, वो यहाँ से वहाँ घूमे ही जा रही थी इसलिए दादाजी और उसके पापा उसके साथ बिज़ी हो गए थे। शर्मा जी हमको पूजा में ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि वो काम कर रहे थे। एक्चुअली वो जाना तो उनको ऑफिस था पर उनकी जो बॉस है वो बहुत ही अच्छी इंसान है, वो उनको बताते हैं प्रॉब्लम जेन्युइन होती है तो वो उनको ना अलाउ कर देती हैं, तो उन्होंने उनको वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया था। बट वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये तो नहीं है कि काम नहीं करें, तो इसलिए वो घर पे बैठे हुए अकेले काम कर रहे हैं। बाकी हम सभी लोग यहाँ पर आ गए थे पूजा करने के लिए। और दादाजी भी शिवांशी के अराउंड सुपर एक्टिव हो जाते हैं, वैसे तो बहुत एक्टिव वो हैं ही लेकिन शिवांशी को खिलाने के लिए वो पूरा अपना सुख चैन कंफर्ट साइड में रख देते हैं, पूरा उसी का ध्यान रखने में बिजी हो जाते हैं। वैसे भी ऐसा बोलते हैं कि जो दादा दादी होते हैं ना उनको अपनी संतान से ज़्यादा प्यारा जो अपने पोता पोती नाती होते हैं वो होते हैं, क्योंकि वो ना ब्याज होते हैं, ऐसा बोलते हैं वो दूध की मलाई होते हैं, तो इसलिए दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स को अपने जो ग्रैंड चाइल्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। और हम लोग है ना घर से ही जल का लोटा लेकर आए थे। जो जल पूजा में इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ जल नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो मम्मी ने उसको थोड़ा यूज़ कर लिया जो रिमेनिंग था, उसमें फिर मैंने पानी मिला लिया और यही हाफ मैंने और हाफ फिर प्रियंका ने यूज़ कर लिया था। काट लेगा उसे चीटी है नीचे छोटी छोटी काटने तो उसको समझ में आना चाहिए फिर वो अग्निबाध में बैठेगी ऐसी तो वस्तु को समझ में आता है। And what a pretty color. और ये ना बढ़ेंगे और ऐसे लंबे लंबे हो जाएंगे, एंड इफ दे रीच द ग्राउंड तो फिर वो जड़ पकड़ लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही सूख जाते हैं ज्यादातर। छोटे बच्चों को नेचर के नज़दीक आना कितना ज़्यादा पसंद होता है। सानवी खुशी भी जब छोटी थी तो उन्हें इस तरह घास मिट्टी पेड़ पौधे और सबसे ज़्यादा तो पानी पसंद था, कहीं भी पानी दिख जाए तो वो और भी ज़्यादा चहक जाती थी और भी ज़्यादा खुश हो जाती थी। सेम शिवांशी का है, वो कहीं भी घास मिट्टी पानी स्पेशली देखती है ना तो फिर तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कोई नहीं, अभी देखते हैं क्या बोलता है प्रदीप। ठीक है, मैंने उसको बोल तो दिया ठीक है, बस तुम फॉर्मेट तैयार रखना।
पैसे हमने भाभी को दिया भाई ना, वही कर रहे हैं। हाँ मम्मी को, हाँ मम्मी को पैसे दे। अरे भोग लगा देंगे फिर लगा देंगे। शिवांजी वट सावित्री का जो व्रत होता है ना, उसमें बायना मिंसा जाता है, तो ये सासू मॉम ने ही सिखाया है मुझे, मुझे पहले से नहीं पता था। तो क्या क्या कैसे कैसे करना है वही हम दोनों को बता रही थी, वैसे वैसे ही हम दोनों कर रहे थे। और क्योंकि आज व्रत था ना, ऊपर से बाकी दिनों के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी मैं जाग गई थी, सुबह से ही काम भी बहुत सारे हो रहे थे, तो भूख भी बड़े ज़ोरों की लग रही थी। प्रियंका मम्मी भी काफ़ी जल्दी जाग गए होंगे, उन्होंने भी काफ़ी सारी तैयारियां की थी। वैसे मोनू भैया और पापा ने भी उनकी बहुत सारी हेल्प की थी। जो फ्राइंग का काम है ना वो पापा करते हैं, क्योंकि वह है ना उनकी एक खूबी है, वो बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से करते हैं, तो स्लो आँच पर अच्छी तरह से गुलाबी कर करके पकाते हैं। तो वो खुद से भी बोल देते हैं कि नहीं ये फ्राइंग करना है ना, तो ये मैं ही करूँगा। तो पापा ने बड़े ही अच्छे तरीके से फ्राई करके सामान तैयार किया था। इसके बाद हम लोगों ने खाना पीना किया, और क्योंकि ये जो हैवी हैवी कपड़े पहन रखे थे ना, इनमें आराम नहीं मिल रहा था, तो अभी थॉट चलो घर चलते हैं, चेंज कर लेते हैं, शाम को हम लोग वापस से मिलेंगे। और शिवांशी को आते हुए मैं अपने साथ ही ले आई थी, एंड ये यहाँ से तो एकदम ही एक्टिव आई थी, बट पता नहीं उसको क्या होता है, जैसे ही मैं उसको गोदी में बिठाती हूँ ना, उसको नींद लग जाती है। लाइक 10 out of 10 इंसिडेंट्स अभी तक के ऐसे रहे हैं कि मैं उसको गोदी में बिठाऊं और हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वो सो जाएगी हमेशा। और अपनी दोनों दीदियों के साथ शिवांशी बड़ी अच्छी तरह से घुल मिल गई है, उनके साथ खेलती है, उसे ज़्यादा मज़ा आता उन लोग के साथ ही। शर्मा जी वर्क फ्रॉम होम थे तो वो लगे हुए हैं अपना काम करने के लिए। शिवांशी थोड़ी देर ही सोई थी, उसके बाद वो जाग गई। वो छोटी छोटी, दिन में वो बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं सोती है शायद, मैंने उसको कभी भी बहुत घंटे सोते नहीं देखा। वो थोड़ी सी नाप लेती है फिर जाग जाती है। फिर उसको हम लोगों ने शावर दिला दिया था, क्योंकि वो खेल खेल के थक गई थी। ऊपर से यू नो वहाँ हम लोग गए थे जब ही वट वृक्ष की पूजा करने के लिए, वहाँ कितना वो एक्टिवली घूम रही थी आपने देखा, तो उसको एक शावर दिला दिया था तो बच्चा ज़रा अच्छा फील करने लगा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम उसने कुछ भी नहीं खाई, सिर्फ अपना शौक पूरा कर रही है खुद को चम्मच से फीड करने का।
शर्मा जी तीनों बच्चे कहाँ गए, तीनों बच्चे कहाँ गए, तीनों बच्चे कहाँ गए। शर्म पूरी दीदी बनी हुई है, उसको चोट ना लग जाए पूरा ध्यान रख रही है। बाबू कहाँ घुस रही हो? तीनों बच्चे कहाँ गए? और मैंने यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल का एरिया है ना, यहाँ पर जो कर्टन लगाया है उसमें बीच में दो शेयर कर्टन भी लगाए थे, बट वो समहाउ जब मैंने उसको फोटो में देखा था तो वो अच्छे लग रहे थे, बट जब वो रिसीव हुए तो मुझे उतने ज़्यादा नहीं अच्छे लग रहे थे। बट शर्मा जी ने कहा कि ये अच्छे लग रहे हैं, अच्छे खासे एक्सपेंसिव भी थे वो, अपने आप में उसका मटीरियल क्वालिटी अच्छा है, बट समहाउ वो ना जच नहीं रहे थे, यहाँ पर जा नहीं रहे थे। तो वो हम जब यहाँ बैठकर खाते थे तो मेरी आँखों में खटकते थे, तो आई थॉट कि मैं एक दूसरा सेट अपने हिसाब से मंगा लेती हूँ, लगा कर देखते हैं अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो पहले थे वही लगा लेंगे। तो ये डिलीवर हुए थे तो मैंने हस्बैंड को पूछा कि इनको लगवा दोगे क्या, तो ये वॉज लाइक कि चलो ठीक है कर देते हैं। और ये नए पर्दे हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, आप मुझे बताना ये कैसे लगे आपको। खींचे अंदर जा कुछ और पता नहीं क्यों छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, घर में इतनी सारी जगह होती हैं बैठने की खेलने की, बट वो टेबल चेयर के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। शिवांशी नीचे जाकर बैठ गए, पहले उसने अपनी दीदियों को काफ़ी देर तक बिठा के रखा, फिर सानी खुशी थोड़ी देर बाद निकल के आ गई क्योंकि अभी उनका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, वो कम्फर्टेबली वहाँ नहीं बैठ पा रही थी, तो फिर उसने ताऊ जी को अंदर बुला लिया। वाव शिवांशी, शाम में सभी लोग घर पे आ गए थे तो हम लोगों ने थोड़ी देर तक नाश्ता वाश्ता किया, बातें करी, उसके बाद फिर टाइम हो गया था डिनर का, तो पापा मम्मी के लिए मैं लाइट ही डिनर बनाती हूँ, बहुत हैवी अगर कोई ओकेजन है तो ही बनाती हूँ, अदरवाइज क्योंकि वो मेडिसिन लेते हैं ना तो वैसे भी वो लाइट ही प्रेफर करते हैं। और मैं उनसे पूछूँ मैं क्या बनाऊँ तो वो बोलते हैं खिचड़ी बना लो, क्योंकि खिचड़ी लाइट भी रहेगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट मैंने सोचा नहीं अच्छे से प्रॉपरली मील बनाते हैं, तो यहाँ प्रियंका मेरी हेल्प करा रही है, मैंने फटाफट से दाल चढ़ाई है, जल्दी से बन जाएगी। प्रियंका उधर सैलेड काट रही है और बातें करते करते कब खाना बन जाता है ना पता भी नहीं लगता। और प्रियंका ने मुझे बोला भाभी बहुत देर से आप काम कर रहे हो, चलो रोटी मैं बनाऊंगी, तो वो रोटी बना रही थी बट आटा थोड़ा सा कम लगने लगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ सो दैट यू नो खाना कम नहीं पड़े। वो मेरा हाथ पकड़ के ले गई थी कि इनके रूम का दरवाजा खोलो, उसको अच्छा लग रहा है उनके पास। एक ही चीज स्किप कर सकती है, अनियंस लेगी या तो गाजर लेगी।
और थोड़ी देर तक प्रियंका ने रोटियां बनाई थी, उसके बाद फिर बाकी की रोटियां मैं बना रही हूँ। हम लोग है ना ऐसे मिल बांट के काम कर लेते हैं, ऐसे है ना फिर साथ में काम करने की इच्छा भी बनी रहती है और एक पे प्रेशर भी नहीं आता है। ओए छुटकू, क्या लेने आए हो छुटकू? तुम छुटकू 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 ओए छुटकू, ताई जी से मिलने आई है छुटकू। है ताई जी, तुमसे मिलने आई है। आज दोस्ती हो गई। हाँ इसीलिए दोस्ती हो गई है। ब्रो बर्तन हो गए हैं ढेर सारे। सबका खाना हो गया, बस तुम तीनों बचे हो। देखो मम्मी, देखो तुमने इसी दिन के लिए इनको बड़ा किया था। क्या क्या बना दिया? मैं छोटे भाई को चाकू दिखा रहा हूँ। पापा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। पापा बन खाओगे बेटा? बन ईश बस का बन। नहीं नहीं छी नहीं छी। मलाई मलाई बन लो। भाजी चाहिए, भाजी चाहिए, भाजी चाहिए, बन चाहिए। कह रहा भाजी चाहिए। लम कोई ऐसी सड़ियल बात नहीं करनी, तू खाना खा रहा है। डाल ली प्रिया ने ये गैस इससे ज्यादा क्यों उबल रही है? ओए देखो देखो ये इससे ज्यादा क्यों उबल रहा? क्या क्या गई गई गई। अरे मेरा कान गीला कर दिया थूक के। वो हम सब मर जाएंगे। नीचे आवाज आएगी। पापा भी आ रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं। शिवांशी पापा को बुला रहे हैं। बोर्ड लगा देने जय शिवांशी। अरे दादाजी आ जाओ। क्लैप। आ गया बेटा, और कितना अंदर खींचेंगे मुझे? नहीं वो चाहते थे उसकी बाउंड्री के अंदर रहे, बाहर नहीं। उसको खाने की खुशबू में। अरे मुझे खींच रहा है, ले तू चली जा प्लीज। जाओ तुम जाओ, चलो उसी जाओ, साथ ही जाओ। भागो भागो भागो। अरे वो अकेली रह गई। शशि माता बच्चा बच्चा दुनिया में पहले ऐसे पिताजी देंगे तो बच्ची को आ रहा है। पाल की जय कन्हैया लाल की, पाल की जय कन्हैया लाल की। हम खाए थाली में गुड़िया को दे प्याले में, हम खाए थाली कुछ में बना गुड़िया को दे प्याले में। है ऐसा ही है। अरे मम्मी ऐसा ही तो है।
सभी लोग पहले खाना खा चुके थे और बाद में मम्मी, प्रियंका और मैंने खाना खा लिया था और बस खाने वाने से फ्री होके इट्स टाइम टू क्लीन द किचन। तो मैं अभी यहाँ पे डिश वॉशर लगाने की तैयारी कर रही हूँ एंड मेरी गुगू मेरी हेल्प कर रही है, हमेशा ही हेल्प करती है। अभी खुशी उसके अंदर जो पहले से बर्तन थे उनको निकाल रही है, थोड़ी देर में शानू आके मेरे साथ हेल्प करेगी जो बर्तन है उनको लगाने में। शानू इसलिए हेल्प करती हूँ क्योंकि समहाउ पता नहीं क्यों वो काफ़ी ज़्यादा बर्तन डिश वॉशर में एडजस्ट कर लेती है जो मुझसे नहीं हो पाता, तो इसके लिए वो मेरी हेल्प करने आती है जिससे ज़्यादा बर्तन मुझे हाथ से ना धोने पड़े। और इसके बाद टाइम आ गया है टाटा बाय बाय कहने का। मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे घर में अभी थोड़ा सा सोने का दिक्कत है, हम एक टाइम पे बस एक ही एसी चला सकते हैं क्योंकि सब मीटर पे चल रहा है हमारा घर का इलेक्ट्रिसिटी। तो सोने के लिए अभी मोनू प्रियंका जा रहे हैं मम्मी पापा के घर और इसी के साथ आ गए मैं इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।